सर, प्रॉब्लम क्या था वीबीटी में जिससे हम परेशान थे लास्ट क्लास में? स्ट्रक्चर का मतलब? हाँ सर, वो स्ट्रक्चर का एंगल्स जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। ओके, बॉन्ड एंगल्स, ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ्स। बॉन्ड लेंथ्स कार्बन का याद है, एसएस और एसपी ओवरलैप का लेंथ का इशू था। बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सेट्रा, ये सब चीजें, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वर नॉट एज एक्सपेक्टेड। जो सोचा था वो हो नहीं रहा था, और जब वो एक्सपेक्टेड जैसी नहीं है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसे जो है वो पूरा रिवैम्प करने के लिए आया है भाई, ठीक है। तो द नेक्स्ट हेडिंग इज ऑन अ फ्रेश पेज प्रोबेबली, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत ही, जल्दी लिखना भाई, थ्योरी का पार्ट है, थोड़ा हाथ हाथ जल्दी चलाना भाई। मेंटेनिंग द नीटनेस ऑफ योर कॉपी प्लीज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है, ये एक्चुअली मोर ऑफ एन एडिशन और मॉडिफिकेशन इन वीबीटी है, ठीक है। दिस इज मोर लाइक एन एडिशन, ठीक है, लाइक एन एडिशन या मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन वीबीटी, ठीक है, रैदर देन अ न्यू थ्योरी, रैदर देन अ न्यू थ्योरी। ठीक है, तो इसका देखो शुरुआत जो है ना वो एक्चुअली बहुत ही एक्साइटिंग है। नंबर नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो इसके फाउंडेशन ही इतने स्ट्रांग हैं शुरू करते ही कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट सिर्फ दिमाग से सोचा हुआ है। समझ रहे हो क्या? दैट इज अ वेरी डेंजरस मतलब पॉइंट। ये एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है? मतलब हमारी एक्सपेरिमेंटल डेटा मैच कर जाते हैं इससे। ओके, मतलब हमारी एक्सपेरिमेंटल डेटा मैच करेगी और हम ऐसा अंदाज लगा रहे कि हाँ ये हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली लाइक जैसे तुमको मालूम नहीं है कि वहां पे ब्लैक होल है, लेकिन मानने से ब्लैक होल है, सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है, तो मानते रहो जब तक एक्सप्लेन हो रहा है तब तक। सर तो ये तो एकदम घास काटना हुआ क्यों घास काटना हुआ यार? सर। मतलब ऐसा आप अपना बात को ऐसा मनवाने के लिए कुछ मनवा ले रहे हैं ये सॉर्ट ऑफ। कमाल की बात है यार। मैं तो इसको, यही तो साइंस है भाई, घास काटना कैसे हुआ भाई? ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई करवाना ही तो बात होती है ना यार। अब तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नीचे है तो भी क्या कर सकते हैं, आगे चलो अब। ठीक है, ठीक है, इसमें होता क्या है? अच्छा, डू यू नो द टर्म हाइब्रिड? इससे पहले हम देख चुके हैं कुछ ना इसके बारे में, 7th 8th 9th क्लासेस में। वो क्रॉप्स और जानवरों की हाइब्रिड से हमने कुछ ब्रीड मिक्स बनाई है, ठीक है। दिस एक्चुअली मीन्स मिक्सिंग, राइट? अब वो मिक्सिंग जेनेटिकल लेवल पे हो कि मिक्सिंग मैक्रो लेवल पे हो, ठीक है, कि कुछ भी हो, तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होना, ठीक है, होने वाला है, ठीक है, कि एटॉमिक ऑर्बिटर्स, इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या है, एओस का नाम देंगे, ठीक है, एओस ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटर्स जो हैं ऑफ सेम एटम आर मिक्स्ड टू फॉर्म, आर एक्चुअली मिक्स्ड टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ऐसे आगे से मैं ना इनको शॉर्ट में लिखता जाऊंगा भाई, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसको ब्रीफ में बोलते हैं भाई एचओज। मतलब बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है भाई, कि मैंने एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय करके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया है, उसको तोड़ के मैंने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए हैं, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट कि भाई जब तुम उनको मिक्स करोगे, ठीक है, तो भाई क्या होगा? एओस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा बताओ? एओस नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एओस नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है, एंड आर रिप्लेस्ड बाय ब्रांड न्यू एचओज।
थोड़ा किडिश कॉन्सेप्ट लगता है कि ऐसे हमने बोल दिया डिस्ट्रॉय हो गया वो हो गया एंड सो ऑन. आफ्टर मिक्सिंग एओज आर एओज नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड आर रिप्लेस बाय एचओज. ठीक है. एंड सो द नंबर ऑफ एओज, ठीक है, यूज्ड फॉर मिक्सिंग, तुमने कितने एओज मिक्स किए हैं यूज्ड फॉर मिक्सिंग इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ एचओज फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग. फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर तुमने मिक्स किए तो दो एचओ बनेंगे. तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किए तो तीन एचओ बनेंगे. और हर इसी में देखो कंटिन्यूएशन में, एंड ईच एचओ क्योंकि दोनों का नंबर सेम है, क्योंकि एओज और एचओज का नंबर सेम है, ईच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल अकोमोडेट. क्या बताओ? अच्छा ये क्यों बनाए जा रहे हैं पहले बताओ, क्योंकि मुझे इससे वही काम करवाना है जो एओ करते थे. एओ क्या काम करते थे भाई? अपने अंदर किसको रखते थे भाई? एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या रहता था? इलेक्ट्रॉन्स. तो एचओ के अंदर भी क्या रहेगा भाई? इलेक्ट्रॉन. और हर एचओ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? दो. टू इलेक्ट्रॉन्स. तभी हमने नंबर सेम किया है भाई. अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा. विल अकोमोडेट एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एटम का ऑर्बिटल है, समझ रहे हो? हाँ सर, वो समझे. और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग के लिए हमने ये अज्यूम किया कि बॉन्ड बनाते समय क्या है, एक जो है एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिस्ट्रॉय करके मिक्स करके अपने ऑर्बिटल्स का शेप चेंज कर लेता है, और उसकी जगह उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जगह वो एक्चुअली नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल खड़े कर लेता है. हाँ हाँ पार्थ, रुको रुको रुको, एओ एंड एचओ में डिफरेंस क्या है? हाँ रुको, आते हैं, बस एक सेकंड रुको. अच्छा बस पहले एक ही पॉइंट लिख लो. ईच एचओ विल अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, विद All general rules of filling. With all general rules of filling being followed. अब मैं तुम्हें कैसे, देखो देखो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. बीच में मुझे एग्जांपल अभी वैसे नहीं लेना चाहिए था, बट स्टिल सुनो. जैसे एक एस है ठीक है, कोई मेरे को कलर बताओ ना, क्या जैसे ब्लू और येलो मिलाते हैं तो क्या बनता है बताओ? ग्रीन. मैं ग्रीन तो पहचान ही लूंगा इसमें. देखो जैसे अगर ये एस है, अरे यार हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एप्लीकेशन है. नहीं यार, नहीं 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 यार, देखो सुनो,
ये सपोज एस ऑर्बिटल है, ठीक है, फिल्ड अप है अपना, ठीक है, एस ऑर्बिटल है, और ये सपोज पी ऑर्बिटल होगा, येलो येलो येलो, ये सपोज पी ऑर्बिटल है, ठीक है, देखते जाओ एक बार, ये सपोज पी ऑर्बिटल है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये भी जो है ऐसा फिल्ड अप होगा भाई, ओ सॉरी, ये भी इस तरह फिल्ड अप होगा, ठीक है, पी ऑर्बिटल है। अब वो बोल रहा है कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। भाई ऐसा होता था ना, देखो कि एक एच का एटम इससे ओवरलैप करेगा, मतलब अर्लियर वी यूज्ड टू डू दिस, एक एच का एटम इससे ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग रीजन होगा, और एक एच का एटम इससे ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग रीजन होगा, राइट, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है, हमें एक्चुअली कैसा करना है, हमें एक्चुअली ऐसा करना है, ठीक है, तो हम नीचे जाते हैं, ठीक है। और अब वो बोल रहा है कि एक्चुअली इसकी जगह दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो ऐसे हो जाएंगे, देखो ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये इसका शेप है, देखो देखो इसका शेप भी जो है वो थोड़ा अजीब हो गया है, इट्स स्लाइटली, ठीक है, डिफरेंट। अच्छा, इसकी इसके शेप को भी एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, ठीक है, देखो क्या मेथड है कि अगर मैंने सपोज, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब तुम्हें बस आइडिया लगाने के लिए, देखो कि सपोज अगर मेरे पास में एक एस है और मैं इसे अगर एक पी से मिक्स करूंगा, अगर मैं इस पी से इसको मिक्स करूंगा, तो पी में तो देखो दो साइंस होते हैं भाई, पी में क्या है कि एक तरफ नोड के एक तरफ पॉजिटिव ऑक्सीलेशन है और एक तरफ नेगेटिव ऑक्सीलेशन है, राइट, ठीक है। लेकिन ब्लू ब्लू वाला एस है, अगर सपोज ये 1s है, तो इसके अंदर तो एक ही साइन रहेगा भाई, क्या रहेगा बताओ, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि इसके इसके राइट साइड में जो हमारे पास में प्लस प्लस साइन मैच कर रहा है, इस तरफ क्या होगा बताओ, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा बताओ, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए एक साइड का लोब का साइज क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा सर, एक साइड के लोब का साइज जो है वो एक्चुअली बढ़ जाएगा, एक साइड के लोब का साइज जो है ना, जो देखो ये प्लस और प्लस था, इसका साइज एक्चुअली फूल के थोड़ा सा डिसओरिएंटेड ऐसा हो जाएगा, कुछ अजीब सा पी और एस का मिक्सचर ऐसे, और एक साइड के लोब का साइज क्या हो जाएगा बताओ, ऐसा कुछ कम हो जाएगा, विद अ प्लस एंड माइनस, वही बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ऐसे दो लोब्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि तुमने कितने एओस डिस्ट्रॉय किए अभी मिक्सिंग के समय, दो एओस डिस्ट्रॉय किए, तो यहां पे अब दो लोब्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दो लोब्स एग्जिस्ट करते हैं, इट्स लाइक ये जो है ये एक्चुअली एक और ये दूसरा, मतलब सुनो, मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्चुअली ऐसे दो लोब लेके आने हैं और उनको एक दूसरे के साथ में देखो आपस में, जैसे देखो एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं बच्चों, देखो पहली बार में थोड़ा अजीब लगेगा, एक ही न्यूक्लियस चारों तरफ सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो वैसे ही अभी भी क्या हो रहा है बताओ, एक ही न्यूक्लियस के दोनों तरफ क्या रहेगा, क्या रहेंगे बताओ, दो तरफ एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और दूसरी तरफ दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है, और जो एटम था, ठीक है, ये अपना एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, अब ये एग्जिस्ट करता है, और जो पहले एटम आता था अब वो इनसे ओवरलैप करेगा, जो पहले एटम आता था वो एक्चुअली इनसे ओवरलैप करेगा, एक यहां पे और एक यहां पे, ये ओवरलैपिंग रीजन होगा, ये ओवरलैपिंग रीजन होगा, इससे दो चीजें होंगी, सुनो, एक तो क्या है कि हम लोग देखो क्या बोलते थे कि ये वाला बॉन्ड एस एस का ओवरलैप है, सही बात है कि नहीं बताओ, वापस देखो उल्टा जाओ, हाँ सर, वो एसपी हो गया,
और ये वाला क्या बोलते थे, एस पी का ओवरलैप है, फिर बोलते थे इनका लेंथ अलग होगा, इनकी एनर्जी अलग होगी बिकॉज अलग तरह का ओवरलैप है, कुछ तो अलग होगा। हमने क्या किया, वो झंझटी हटा दी है, हमने एटम जो बाहर से आ रहा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो अंदर एटम था उसके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी हमने डिस्ट्रॉय कर दी। सर सब तो एक ही आइडेंटिटी। हाँ तो अच्छी बात है ना, क्योंकि एक्चुअली जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, सुनो, तो हमें ये हमें मालूम चला कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये एग्जैक्टली सेम था, द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है एक्स, दैट वॉज एग्जैक्टली सेम एज इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस डिस्टेंस जो एक्स है हमारे पास में, ये दोनों एग्जैक्टली सेम था। एग्जैक्टली सेम मॉडलिंग तभी हो सकता है ना जब एस और पी में कोई फर्क ना बचा हो एटम के अंदर। अच्छा सुनो, दो चीजें हैं, अगर 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 इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर अगर इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो दो चीजें हैं, एक कॉमन न्यूक्लियस के अराउंड मैक्सिमम सेपरेशन पे कैसे रह सकती हैं बताओ, मैक्सिमम सेपरेशन पे कैसे रह सकती हैं दो चीजें? रिपल्सिव फोर्स होते नहीं, नहीं मतलब किस किस एंगल पे रहेंगी? 180 डिग्री। इसके बीच में एंगल भी क्या होगा भाई, आज से भाई एक बार इसे कॉपी करो, हम जब धीरे धीरे करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सर मेरे को डाउट है। सुनो जोहेब सुनो, अरे हम बहुत मुश्किल से इसको अंदर गुजार रहे हैं, डाउट मत पूछो अभी। नहीं सर वैसा नहीं, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं भी इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको पूरा खत्म हो जाने दो, मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूँ, फिर तुम पूछना आराम से खुल के, मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ, रुक जाओ। लिखा गया भाई, डोंट पैनिक, समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, बस कॉपी करते रहना। जिन लोगों ने लिख लिया है वो जरा भाग के 5 मिनट में कुछ जो है कपड़े पहन ले, अच्छा देखो सर एक मिनट, किसी कुछ कुछ अगर अजीब लग रहा है। हाँ जोहे बोलो, चलो सुन लेते हैं, तुम क्या पूछ रहे हो बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था कि SP SP1 SP2 SP3 जो है वो वैसा है क्या कि SP मतलब एक S और एक P को मिला के जो हाइब्रिड है, हाँ, फिर एक S2 P। यस यस, अब जैसे मुझे इसका नाम देना है, सुनो गाइस तुम्हारे पास कलर्स तो है नहीं, चलो, लेकिन मुझे इसका नाम देना है, ठीक है, देखो तो आलोक माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। ओ गुड, देखो आलोक मुझे मुझे इस ऑर्बिटल का नाम देना है, आई हैव टू एक्सप्लेन someone else, because मेरे पास में इतना तो टाइम नहीं रहेगा भाई करने का कि ये एक्चुअली किससे बनाए, शॉर्ट में बताना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो कंपोजिशन है ये मैं एक्सप्रेस करूंगा बहुत ही इंटेलिजेंटली नंबर्स के थ्रू। तो इसमें कितने एस मिलाए गए थे बताओ लोग? एक। हाँ। और इसमें कितने पी मिलाए गए थे? एक। इसलिए इसका नाम क्या है, सिंपली SP. तो व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, ये जो हमने देखा है ऊपर अभी एग्जांपल, ये क्या है बताओ,
ये कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं बताओ मुझे, क्यों सुनल? हाँ सर, कितने एस और हाइब्रिडाइज? सर नहीं, दो है हाँ ना, एस और हाँ दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दो एचओज हैं, नेमली इनका नाम क्या है भाई दोनों का? एसपी, तो आज से एस नहीं एग्जिस्ट करता, सुनो गाइस, पी नहीं एग्जिस्ट करता, क्या एग्जिस्ट करता है? एसपी, दो एसपी। तुम्हें अभी दिख रहा है कि मैं CH4 की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूं? कैन यू फील इट? कैन यू फील दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, जो मैं आगे आगे इस क्लास के या नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में करने वाला हूं, बट माई CH4 इज सॉल्व ऑलरेडी, क्योंकि उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करेंगे बताओ? उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा? 4sp। हाँ सर, 4sp। कौन बोला? सत्यम। हाँ सर। देखो सुनो, उसके अंदर 4sp नहीं एग्जिस्ट करेंगे। देखो इसके अंदर फंडामेंटल फ्लॉ है सत्यम, ऑलमोस्ट करेक्ट है बट थोड़ा गलत है, क्योंकि अगर तुमने एक s और एक p को मिलाया है सत्यम, तो दो बनेंगे ना, चार कैसे बन सकते हैं? अनेया सोचो भाई, भाई चार एग्जिस्ट करेंगे ये बात तो सही है, लेकिन ये s और p नहीं होंगे, ये क्या होंगे बताओ? शायद पता नहीं सर, दो sp और दो, थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हाँ ऑब्वियसली मैं इतना आगे तुम्हें लेके जाऊंगा तो कंफ्यूजिंग तो है। नहीं नहीं सुनो, उसका आंसर पता है क्या? उसका आंसर है sp3। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं sp3, तो इसमें क्लियर इंडिकेशन है, आलोक बताओ कितना क्या मिलाया गया है बताओ? एक s और तीन p, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स तुमने डिस्ट्रॉय किए? चार। वापस कितने बनेंगे? चार ही बनेंगे ना, चार बनेंगे बट हाइब्रिडाइज्ड। बट वो चारों की लेंथ क्या होगी बताओ? इक्वल सेम लेंथ हो जाएगा। तो सेम लेंथ के जो CH के ऑर्बिटल्स थे वो उसे एक्सप्लेन कर देता है। अब ये देखो, और एक एस और तीन पी कहां से आया? तो तुम्हें एक आइडिया दूं तो कार्बन के पास बताओ उसका कॉन्फिगरेशन क्या था एटम का, रजत? यस सर। कार्बन एटम कॉन्फिगरेशन क्या है बताओ? 1s2 2s2 2p2। तो आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन तो ये था ना भाई, 2s2 2p2 2s2 2p3। इसमें हम इसको एक्साइट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2p3 2s1 2p3। अब मैं क्या करूंगा बताए? ठीक है, हाँ जो वही लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि ये चारों डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इसका एक s और तीन p डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जगह क्या खड़े करेंगे बताओ? हम एक sp3 4sp3 खड़े करेंगे। थोड़ा तुम्हें डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या सर? बट हमने ऑर्बिटल एक्सपैंड क्यों किया? एक्सपैंड कहाँ किया हमने? नहीं सर, वो एस को उधर क्यों लिख दिया? एस को किधर लिख दिया हमने सर? नीचे। सर नीचे। सर एक्साइटेशन का बात कर रहा है। हाँ सर, चलो ठीक है, लेट्स नॉट पुश इट। हाँ राधिका, एक मिनट रुको, बस बस बस, धीरे धीरे धीरे, कोई बात नहीं, रोना मत रजत, डिप्रेस मत हो रजत। रजत हाँ सर। Oh my God. सर सर दर्द कर रहा, और कुछ नहीं, आप पढ़ाओ। अरे बाप रे बाप, अरे तो क्या हुआ, कुछ सब ठीक है ना? हाँ थोड़ा चल रहा है सर, बस किच-किच, और कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करो। ओके ओके, सॉरी यार, सॉरी, आई एम प्राइंग अ लॉट। ओके नहीं सर, तो हाँ इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो भाई।
फोर्थ पॉइंट लिखो, सारे एओज मिक्स नहीं हो सकते, ओनली दोज, पहले तो मिक्सिंग के मैं नियम बताता हूं, ठीक है राधिका, फिर समझ में आएगा देखो कैसे हो रहा है. ओनली दोज एओज कैन बी मिक्सड. एओज का मतलब राधिका, हाँ, ओनली दोज एओज कैन बी मिक्सड विच हैव ठीक है, क्या बताओ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कि मतलब तुम कुछ भी उठा के किसी से मिक्स कर दोगे क्या? तुम्हारे मन में कोई फीलिंग है कि तुम किसको किससे मिक्स करना चाहोगे या वो अलाउड होगा? फिल्ड ऑर्बिटल, उससे पहले हम ये बोलते हैं विच हैव सिमिलर एनर्जीज. सिर्फ वही एओज मिक्स हो सकते हैं जिनकी एनर्जीज क्या हो, जिनकी एनर्जीज क्या हो, एटलीस्ट क्लोज हो. मतलब ये कि जैसे एसओडी नहीं हो सकते. हाँ, मतलब देखो एटम के ऑर्बिटल में एन इक्वल टू वन होता था, एन इक्वल टू टू होता था, एन इक्वल टू थ्री होता था, राइट जोहेब? हाँ सर. तो तुम ये और ये नहीं मिक्स कर सकते, दीज कांट बी मिक्स्ड. सर मतलब हम सेकंड शेल में जो भी है एस और पी उसको मिक्स कर सकते, थर्ड शेल में मैंने तुम्हें जितना बताया उतना बताओ, तुम वापस मुझे मत समझाओ, तुम्हें समझ में एनर्जी क्या बड़ा नहीं होना चाहिए. फिर डी का क्या, फिर डी तो थोड़ा सा दूर रहता था. आ रहे हैं यार, आ रहे हैं, इतनी सी बात समझ में आई क्या यार तुम्हें? हाँ, समझने में और समझाने में वापस उल्टा क्यों घूमने लग जाते हो तुम? ये समझ में आ गया ना, एनर्जी क्या बड़ा नहीं होना चाहिए, वो ये बोल रहा है सबसे पहले, राइट? ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं. नंबर टू, इसका मतलब ये है कि सपोज मैं एक एटम का ऑर्बिटल ड्रॉ करूं और मैं इसमें लिखूं 1s, ठीक है, फिर मैं लिखता हूं 2s और 2p, ठीक है, फिर मैं लिखता हूं 3s और 3p और 3d और 4s, ठीक है, एंड सो ऑन. अब देखो क्या क्या मिक्स हो सकता है, ठीक है, तुम इन दोनों को मिक्स कर सकते हो, ऐसे सर्कल बनाओ और देखो टिक और क्रॉस लगाते हैं, ये अलाउड है. तुम इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो, किसको बताओ, तुम ये दोनों मिक्स नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, ये अलाउड नहीं है. क्यों नहीं अलाउड है? 1s और 2s के बीच में क्या है बताओ, गैप, गैप क्या है, बहुत बड़ा है, बड़ा एज कंपेयर टू जो 2s 2p में है, बहुत स्मॉल गैप है इन दोनों के बीच में. आखिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है अभी दोनों का, सेम? हाँ, दृष्टि, दृष्टि ने पहला पॉइंट बताया है, ठीक है, कि n शुड बी क्या बताओ, सेम, सेम. रजत समझा गया ये? अगर मतलब दर्द होते हुए सिर में भी इतना तो घुसा ही सकते हैं हम, एन शुड बी तभी मिक्स करना, नहीं तो मिक्स मत करना, अलाउड नहीं होगा. जैसे देखो तुम 3s 3p मिक्स कर सकते हो, देखो जो मैं ब्लैक से कर रहा हूं वो अलाउड है. अच्छा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तुम एक्चुअली 3s 3p 3d भी मिक्स कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, ठीक, थोड़ी दिक्कत है. नाउ देयर इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, दृष्टि वो बताया किसके साथ में है, वो 3d के साथ में है, इट्स सो हाई अप, ठीक है, इन इट्स लेवल्स. कि बताओ, हमको तो ये भी पता है बच्चों के मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 4s 3d के नीचे 4s आ जाता है. तो अब ये 3d इतने डाइसी पोजीशन पे है कि इसके लिए अलाउड है बताओ क्या, कि s और d का मिक्सिंग भी अलाउड है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रिपल स्टार लगाओ और यहां पे टिक मारो, d में ये होना था भाई. ठीक है, तो मैं इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिख दूं बताओ, कि अ डिफरेंस ऑफ वन क्वांटम नंबर, अ डिफरेंस ऑफ वन इन एन इज अलाउड ठीक है, इफ डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व.
हाँ भाई समझा, तो मतलब मैं यहाँ पे देखो फिर भी एक सैंपल लिखवा रहा हूँ, देखो भाई विवान माइक ऑन कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए पार्थ, पार्थ हम आते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा बताता हूँ मैं, वो सवाल क्यों नहीं मैटर करता है मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ी देर बाद में। देखो 2s प्लस 2p, 2p प्लस 3s, 3s प्लस 3p, 3s प्लस 4s, 3s प्लस 3p प्लस 3d, 3d प्लस 4s प्लस 4p। विवान माइक ऑन नहीं हुआ, थोड़ा सा कोशिश कर लो, गलत होगा तो भी चलेगा मुझे, गायब हो जाते हो तुम लोग। मनीष माइक ऑन कर सकते हैं, मनीष पलक क्या हुआ भाई, मैं म्यूट हूं क्या? नहीं सर। थैंक गॉड। हाँ भाई मनीष माइक नहीं है क्या? मनीष क्या हुआ? क्या मतलब? अदिति, अदिति माइक है क्या भाई? डेड साइलेंट जोन में चले गए हैं। वही सर, आज सबकी मतलब हालत खराब है, वो 9 घंटे का टेस्ट था ना 2 दिन में, फिर आज क्लास और फिर सर मेरा भी हेडेक क्लास है सर। सर पहले कल छुट्टी थी ना, तो फिर सर एक दिन छुट्टी मिल जाती तो सर थोड़ा सा अच्छा लगता। रजत तो बेचारा डिप्रेस हो गया सर, 8:30 सोया था वो। क्या हुआ भाई? मतलब मेरा दूसरा रीजन है सर, इनऑर्गेनिक का नोट्स भी लिख रहा, मतलब ऑर्गेनिक वो फिजिकल केमिस्ट्री का भी नोट्स लिख रहा था कल बैठ के। अच्छा तो तुम मैंने तुम्हें क्या बताया है, जब भी तुम्हें खुद पे थोड़ा तरस आए तो एक बार नॉन एंटी के बारे में सोच लिया करो ना यार। सर उनका तो कल टेस्ट ही नहीं था। सर उनका सर टेस्ट ही नहीं था ना। तो मैं कह रहा हूँ वाह भाई वाह, उनकी मॉर्निंग स्कूल और इवनिंग क्लासेस नहीं रहती है डेली? सर स्कूल भी 12 तक ही तो हो गया उनका अभी। सर स्कूल में कहाँ सर संडे सर वो लोग सुबह सुबह थोड़ी ना सर उनको मतलब ध्यान देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। अच्छा सर थोड़ी मस्ती कर लो, इधर हम बस थोड़ा भी ऐसा ऑफ हो जाए, बस जो भी इम्पोर्टेंट होगा तभी पढ़ाई, 2 सेकंड के लिए नजर हटी और फिर समझ में आना बंद हो जाता है। मतलब स्कूल वाले लिटरली टाइम पास करते हैं सर, मैं अपनी बहन को देखता हूं, लॉग इन करके बैठ जाओ अपना कुछ करते रहो। सर हम लोग खुद सर कॉलेज क्लास ढंग से नहीं बैठे तो मैं अच्छा एक मिनट, मतलब तुम लोग कहना है कि तुम्हारा जील की इंटीग्रेटेड मतलब जील की कॉलेज लेक्चर्स में तुम्हारा ज्यादा पार्टिसिपेशन है बजाय कि उनका अपने स्कूल में है उससे, ऐसा तुम बोल रहे हो? सर स्कूल लेक्चर में सोते हो लोग, भाई भी थोड़ा सा दे दो सर, नहीं हो रहा सर मेरे से, अमंगस खेलती रहती है सर, मेरी बहन अमंगस खेलती है, आप क्या बोल रहे हो? ओके वही तो मैं, अरे तुम तो जेई लेक्चर में सो रहे हो, वही तो मैं समझा रहा हूँ, देखो ना कहाँ है सब लोग। सर कहाँ सर, आंख बंद हो रहा है फिर भी ऐसे थप्पड़ मार के वापस देख रहे स्क्रीन पे सर, अभी सर हेडेक सर कुछ हो जाएगा सर मुझे, मस्ती करा दो। वो जो है एक किसी को जो है घर पे बोलो तुम्हारे सिर पे जो है थोड़ा हैंकी कस के बांध दे, ठीक है, और
लिख रहा है सर? सर रजत ने 5 मिनट पहले टेक्स्ट किया कि वो फेंट होने वाले सर, ऐसे सर उसका बिलीफ हो जाता है, उसको हुआ है ये सब पहले, थोड़ा डर लग रहा है मेरे को उसके लिए। रजत के घर पे अभी कॉल करता हूँ मैं, कहाँ है रजत? सर क्या बात कर रहे हो सर आप? हाँ रजत सर आप एक दिन छुट्टी दीजिए, कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। देखो छुट्टी जो है वो अब हर जो है 2 हफ्ते में टेस्ट होगा, तुम उसके बाद में तुम्हें हर बार ही लगेगा कि छुट्टी चाहिए। हर 2 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते में महीने में, एक बार होता है सर, महीने में एक बार सर टेस्ट होता है, वो भी पार्ट टेस्ट। ये पार्ट टेस्ट तो चलता है सर, पार्ट टेस्ट एक ही टेस्ट होता है, ये सैटरडे को हो जाता है मेंस और संडे को होता है एडवांस। हां तो मतलब ऐसा 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 थोड़ी कोई स्ट्रेस आ गया है, तुम ऐसा बोल रहे हो यार जैसे क्या हो। पहले सर कितना अच्छा था, पहला सीए हुआ था उसके बाद सीधा वेकेशन में जाता हूं सिर्फ सीए के बाद अगले दिन क्लास, अगले दिन क्लास। सर मॉर्निंग लेक्चर नहीं होता तो भी चल। ओह माय गॉड सोनल ने भी बोल दिया यार अब तो। सर एक दिन छुट्टी मतलब सर इवनिंग में करता हूं हम लोग सर, छुट्टी पक्का एक लेक्चर की छुट्टी दे दो सर, एक 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 दिन सर एक दिन दे दीजिए बस सर बस। तो अभी अभी मासूम बच्चों पे थोड़ा तरस, तो छुट्टी छुट्टी जो लोग मांग रहे हैं वो मतलब बाकी लोगों ने वैसे भी सो तो गए हैं, उसमें छुट्टी मांगने की जरूरत ही क्या है सर? थोड़ा देर से क्लास रख दो तो भी चलेगा, बस नहीं इवनिंग में रख दो ना सर। सब लोग सोए ऐसा नहीं है ना सर, कुछ लोग अपनी जान पे खेल के बैठे हैं यहां पे। अरे तो तुम ऐसे तुम अच्छा खत्म हुआ बताओ मुझे, एग्जाम तुम्हारा कब खत्म हुआ सर? 6 बजे खत्म हुआ ना सर, और केवीपी वाला क्लास पे था। के बाद डायरेक्टली केवीपी वाला केवीपी वाला क्लास था सर, 6:15 को था क्लास। ओ माय गॉड। अच्छा तो नेक्स्ट लेक्चर एचएम सर का है, तो एचएम सर से छुट्टी दिलवानी है एचएम सर की? नहीं सर बोल जाओ सर, नहीं मिलेगी सर, वैसा नहीं सर, एक एक क्लास नहीं सर, एक बस दिन दे दिया हो। नहीं तो अच्छा इसके इसके बहुत सारे एडवांटेज सर, आप बात कर लीजिए एचएम सर से। तुम एक देखो ना, तुम एक चीज को देखो, मेरा सर आप बोलोगे तो मान जाएंगे वो। नहीं वो तो वो जो है, अगर अगर वो मुझे बोलते तो मैं नहीं मानता यार, मेरा केमिस्ट्री के पोर्शन पीछे है यार, तो मैं बोलूंगा तो कैसे? सर आपका अलग रहता है सर, आप कोई भी बोलेगा आप नहीं मानोगे सर। कल दे दो ट्रैक 2 है कल। हां सर कल छुट्टी दे दो सर, कल ट्रैक 2 है। देखो केमिस्ट्री में मैं बताऊं ये चीज कितनी अच्छी है मेरे ट्रैक में, तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला हुआ है। ठीक है सर, होमवर्क मिले ना मिले, मेंस एडवांस का पेपर रिसॉल्व करना है सर। ट्रैक 2 में डबल मिल जाता है तो इक्वलाइज हो गया। ट्रैक 2 का होमवर्क कर रहे हो ना भाई, बहुत जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। हां सर कर रहे हैं। अच्छा क्या करें, तुम जल्दी छोड़ दें ताकि तुम आधा घंटा ब्रेक ले लो? और आपने पोर्शन रखते समय मुझसे पूछा नहीं, क्लास मेरी हटा दी तो सर वेंसडे को ऑफ दे दिए सर, एक दिन ऑफ दे दीजिए। एक मिनट तुम्हारा मरते मरते पढ़ना तो उससे तो बेटर ही होगा, लेक्चर कैंसिल कर दो एक दिन। आज देना चाहिए था बट ठीक है। हाँ वही सर, कल सर क्लास होता ना अगर अरे ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं करवाया, तुम सो गए, अब तुम जबरदस्ती जो है रो रहे हो। सर आप अरे सर नहीं है ऐसा सर, नहा धो के बैठे सर मस्त में। अगर ऐसा होता तो मैं माइक ही नहीं खोलता अभी, सो वही ना सो रहा होता मस्त में पूरा। मतलब पहले आप कैमरा ऑन करना पड़ता है, मजा आ गया। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, चलो रजत बोल दे यार तू, इसका एक साइड और लिख लो, इसके बाद में फिर देखो। मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ, तुम ब्रेक लो आज अपना, ठीक है? थोड़ा सा बीच में ब्रेक लो सर, एचएम सर से बात कर लो सर थोड़ा। हाँ 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 मैं बोलता हूँ एचएम सर को। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो। हाँ सर बहुत अच्छे सर, अगर सर मान गए तो आप बहुत अच्छे। अरे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, गारंटी थोड़ी है भाई कि
वो जो है वो बोलते ही हो ही जाएगा, देखता हूँ। देखो मैं सब लोग सर को, सर आप रजत के कंडीशन के बारे में बोल दीजिए। थोड़ा रजत थोड़ा डिप्रेस्ड है। तुम रजत, रजत एक बार तुम ग्रुप पे लिख दो ना कि मुझे खून की उल्टी हो रही है। सर उससे तो मुझे बोलेंगे कि अपना पर्सनल प्रॉब्लम रखो सर, हर बार यही होता है। सिंपैथी कोई नहीं देता सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे, पूछ लिया भैया। इसको कॉपी तो करो पहले एक बार, ठीक है? एक साइड और लिख के फिर छोड़ रहा हूँ तुम्हें। मैं बोलता हूँ आजमगढ़ से। सर वो 2P3S बनता है क्या? नहीं नहीं, मैं तुमसे वही तो पूछने जा रहा था, इसमें से कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। हाँ। तो मुझे तो इतना मोरल साइंस का लेसन। हाँ, वो नहीं बनता। इतना बड़ा सर, पहला होगा, दूसरा नहीं होगा। पहला होगा ठीक है, दूसरा नहीं होगा। हाँ भाई शर्वर, तीसरा होगा। दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा। चौथा नहीं होगा, नहीं होगा सर। ये होगा, होगा सर। ये भी होगा, ये भी होगा सर, ये भी होगा। ठीक है, तो पहले तो ऐसे जो है मिक्सिंग अलाउड है, ठीक है, ये सब मिक्सिंग अलाउड है। और ये जो है पॉइंट रखने के बाद 3D4S ठीक है, पर 3D4P तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ सही बात है, 3D4P ज्यादा हो गया है। बट मतलब मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि अगर तुम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हो तो ये प्रिंसिपल काउंटर नंबर 3 और 4 होने के बावजूद भी इसमें इतने कम गैप है इन सब में कॉन्सिक्यूटिवली। 3D4S में बहुत कम गैप है, 4S 4P में बहुत कम गैप है, यहाँ तक हो जाता है मिक्सिंग। इनफैक्ट तुम्हें पता है इसमें ज्यादा गैप है 3S 3D में एज कम्पेयर टू 3D 4P। 3S और 3D में ज्यादा गैप है एज कम्पेयर टू 3D और 4P, बिकॉज अगर 3D 4S के क्लोज है तो 3S 4S की मिक्सिंग जैसे नहीं हो सकती, जैसे 3S 3D की मिक्सिंग जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाती है। तुम बाद में एग्जाम्पल जब पढ़ोगे तो आई विल एक्चुअली रिमाइंड यू कि मैंने तुम्हें वहां पे बोला था कि ये जो है वो स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है, स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक है। नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक है। तो खैर ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखने के बाद में ठीक है, हम लोगों ने एक जो पॉइंट है एक बार फिर से मैं यहां पे लिखूंगा, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ऊपर, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ऊपर जो है, ठीक है, नंबर 5th पॉइंट, ठीक है, इसमें मैं बस इतना ऐड करूंगा कि जैसे एक एस और एक पी को मिलाते हैं, ठीक है, तो इससे हमारे पास में हमने कैसा शेप बनाया था, एक ऐसा और एक ऐसा छोटा सा शेप बनाया था, ठीक है। तो हम लोग ऑफन क्या है, अच्छा न्यूक्लियस कहां पे है, देखो इसका न्यूक्लियस कहां पे है, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है। तो हम लोग ऑफन क्या करते हैं पता है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये लोब का साइज क्या डिनोट करता है बताओ, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, वो बड़े वाले लोब में, बड़े वाले लोब में कर रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी राइट साइड में ही आ गई है, तो स्मॉलर पार्ट जो है इसको हम ऑफन ड्रॉइंग में इग्नोर कर देते हैं। स्मॉलर पार्ट इज ऑफन इग्नोर्ड, ऑफन इग्नोर्ड, ये नीचे ऐड कर लो भाई। बट अब हमारा एम अभी क्या है, देखो एग्जैक्ट शेप की बजाय जो है हमारा एम किसी तरह उसको मतलब फटाफट ड्रॉ करके निकलना है। अब अपने पास में ड्रॉइंग का टाइम नहीं है, हमारा एम बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करना है, बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करना है, अपन को दूसरी चीजें डील करनी है ना। अब वो कैसा दिखता है क्या दिखता है उससे एक बार, क्योंकि हमेशा शेप ऐसा भी नहीं रहेगा, समझ रहे हो, मैंने तो एक शेप बना दिया, अब मैं सबका शेप ऐसा ही बनाऊंगा, मैं SP2 का भी ऐसा ही बना दूंगा, SP3 का भी ऐसा ही बना दूंगा, तो होंगे नहीं ना ऐसे वो। सर एक पूछना, हम्म, सारा SP1 का तो शेप सेम ही रहेगा ना? हाँ, नहीं वो भी तो डिपेंड करेगा ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, तुमने कौन कौन सा मिलाया उसके अंदर।
तो सर बस साइज पे डिपेंड करेगा कि शेप भी चेंज हो जाएगा? नहीं, उसका साइज भी चेंज हो जाएगा और उसके, मैं बताऊं कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्चुअली बोला जाए तो जब तुम हायर एस पे जाओगे तो उसके अंदर नोड भी आएंगे ना, बताओ। तो उसके अंदर जब नोड आएंगे तो वो नोड भी अलग अलग तरह से मिक्स करेंगे, तो इसके अंदर भी नोड्स और एंटी नोड्स आएंगे ना, बताओ, जो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर तो मतलब ये स्ट्रक्चर सबके लिए लागू नहीं है, बट हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए सब जगह ड्रॉ कर देते हैं बस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो इसका है, ठीक है, वो है कि द ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जैसे पिछले केस में तुमने एक चीज नोटिस की, उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया था, 180 डिग्री हो गया था। तो द ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स orientation of hybridized orbitals in space is decided by which directional AOs are mixed, which directional AOs are mixed and number of HOs finally formed. इस पॉइंट को लिख लो, ठीक है। दिस ऑल्सो डिसाइड्स फाइनल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसको लिख लो भाई, ठीक है, इसको लिख लो। नया स्लाइड सेव कर रहा हूं। चलो आज जो है तुम लोगों क्लास इतना ही, चलो जाओ। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं मैसेज डालता हूँ सर को, ठीक है। अब अगली हो जाए तो तुम ऐसी दुख भरी दास्तान सुना के उनको भी कॉल करके बोलो ना। कॉल करके तो मेरे को डाउट है कि वो शायद जो है वो मतलब उठे भी होंगे कि नहीं। अभी सर नहीं उठते, वो पहली क्लास हमारी लेते हैं, उठते हैं तो समय देना सर को। हां तुम मेरे को ऐसा मैसेज डाल दो कि सर आप आज सो नहीं, मैसेज खोल के पढ़े तो ना, ठीक है। तो ठीक है ना, अभी तो अभी जो है ब्रेक लो, ब्रेक के बीच में कॉल कर दीजिए सर। बॉम्बे में क्या? हां मैं कॉल करता हूं सर। थैंक यू। बॉम्बे में क्या चीज? HM सर बॉम्बे में है क्या? HM सर बॉम्बे में है, क्यों, क्या हुआ? नहीं है क्या सर? अगर नहीं होता तो बोल देते कि बॉम्बे में लाइट गई है करके। अबे सर इधर ही है, रिकॉर्ड हो रहा है भाई। सर इग्नोर क्रॉप कर देना। हाँ चलो खैर ठीक है, इतना पार्ट लिखो, हम नेक्स्ट क्लास में कॉम्पेंसेट करते हैं। चलो मिल गया है ना, चुपचाप ले लो आराम से, जो है आधा घंटा जो है वो नैप ले लो, ठीक है। आधा घंटा तो कम से कम मिल ही जाएगा तुम्हें, ठीक है। हाँ ज्यादा मत सर, आप एचएम सर को बोलिए कि बहुत मेहनत किया हमने केम लेक्चर में, बहुत ज्यादा थक गए। हाँ सर हाइब्रिडाइजेशन एकदम कुछ नहीं समझा, इतना थक गए। हाँ सर बोल दो, श्रोडिंगर वोडिंगर वापस पढ़ा रहे थे आप। हाँ सर बोल दो कि एक दिन लेने दो, पहला रिकॉर्डिंग ऑफ कर, एक दिन लेनी है सर। ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब मैं ये बोल रही सर एक दिन लेनी है सर। ना जो है ज्यादा डीमोटिवेट कर लिया कि सब बच्चों ने जो है डिसाइड कर लिया? नहीं सर डीमोटिवेट नहीं, आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि अभी और कैपेबिलिटी नहीं है आज, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने की। मतलब तृप्त हो गए सर, एकदम सैटिस्फैक्शन मिल गया। बोल दो लोग आर्ट्स में स्विच कर दो, मैं लेजेंड हो गए सर। एक दिन क्या छुट्टी सर? सर एक दिन लेनी है सर, एक दिन
एक दिन लेनी है सर हम लोग एक दिन ले गए, आपने इतना अच्छा पढ़ाया। हाँ तो अभी अभी क्या है, देखो मैं सर को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा, बाय द मीन टाइम तुम थोड़ा अपना रिलैक्स करो, स्ट्रेच करो, ठीक है सर? कोशिश नहीं सर, एक बजे उठते हैं, एक बजे कॉल करना, आप तब उठा लेंगे वो आपका कॉल। हाँ मैं एक बजे कॉल करूंगा, ठीक है? नहीं तो सर को लगे उनको सोने नहीं दिया, हमको क्यों सोने देंगे वो। हाँ हाँ चलो चलो भाई, हाँ एंड मीटिंग कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, ओके।